मेरे प्यारे साथियों एवं सम्मानित ग्राहकों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने दूसरे वीडियो में केपीयूसी हॉस्टल के बगल कमला नेहरू मार्ग पर मौजूद खूबसूरत सा दो मंजिला मकान, जिसकी साइज 30 फीट फ्रंट और 72 फीट गहरान के साथ है, खूबसूरत और BBIP लोकेशन पर निर्मित मकान, जो कि व्यावसायिक एवं खूबसूरत आवासीय प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और आज हम इसके अंदर का वीडियो कंप्लीट के कुछ भाग का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। इस गेट से हम प्रवेश करते हैं, जब ये सेटबैक एरिया दिया गया है प्रयागराज प्राधिकरण के मानक के अनुसार। प्रेस करते ही बगल में पहला कमरा पड़ता है, इसी कमरे के बगल से छोटा सा किचन है जिसको अंधेरा था, हम देख नहीं पाए। और इसमें अधिकांश विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले बच्चियों को एक PG के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनके रूम्स दिए जाते हैं। ये दूसरा कमरा हम प्रवेश करते हैं, उसके बाद नीचे और कमरे हम बाद में दिखाएंगे। हम पहले सीढ़ी पर चढ़ते हुए इसके प्रथम तल पर निर्मित मकानों को हम देखेंगे। हालांकि ये इस समय यहाँ पर कुछ सम्मानित लड़कियाँ रह रही हैं, जिसके कारण पूरी तरीके से कमरों को हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको दिखाने के लिए कि निर्माण अच्छा हुआ है। ये बरामदा टाइप ओपन स्पेस, दो तीन कमरे लगे हुए। ये इस रास्ते से हम नीचे सीढ़ी आए हैं और इसी के सामने छत का बाकी हिस्सा जो बकाया है, जिस पर अपने अनुसार निर्माण करवाया जा सकता है। मोस्टली 60% एरिया बचा हुआ था, वहाँ पर निर्माण करवाया जा सकता है। अब वापस पुनः हम सीढ़ी से हम नीचे आ रहे हैं। भवन के कुछ बाकी हिस्सों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए एवं उसको दिखाने हेतु कई कमरों में ताले लगे हुए हैं, जिसको खोलने में समय लगता है। उसके बाद यह इस बड़े से गेस्ट रूम या हॉल में हम प्रवेश करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं 20x15 का बड़ा सा गेस्ट रूम है, प्लस इसको डाइनिंग रूम भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी दिनों से लोग रेगुलरली नहीं रहते हैं। इस हिस्से को किराए पर नहीं दिया गया है, अतः ये पूरी तरीके से अनयूज्ड होते हुए कुछ एरिया कवर कर दिए गए हैं। इसी में अटैच अगल बगल से जो रूम्स हैं वो भी खुलते हैं। बढ़िया सा वार्डरोब दिखाई पड़ रहा है। इस बड़े से हाल में एक कर्टेन दे करके पार्टीशन आवश्यकता अनुसार हम डाइनिंग हॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी हिस्सा गेस्ट रूम के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बेडरूम AC वगैरह सब लगा हुआ है बाकायदा। कुछ झलकियाँ पुनः हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब इसी कमरे से हम बाहर के हिस्से में
प्रवेश कर मेन एंट्रेंस के रूप में जो है वहाँ से निकलते हैं। ये सामने का एरिया जो कि एक मिनी गार्डन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, छोटे छोटे पौधे बगीचे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मिनी पार्किंग के रूप में बाइक वगैरह यहाँ खड़ी कर सकते हैं, या सुबह खूबसूरत से गार्डनिंग बना करके वहाँ पर सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। अब इसी बड़े हाल से हम इसी अटैच बाथरूम है, इसका भी हम झलक देख रहे हैं। इस रूम में आप देख सकते हैं बड़े से हाल से अटैच ये दूसरा रूम है, इसको आप मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। इसी बड़े से हाल से ये जुड़ा हुआ है, ये रास्ता बाहर इंटर बगीचे में जाता है। इसी हाल से ये बाएं तरफ एक कमरा वो भी जुड़ा हुआ है, ये हम आपको खोल कर भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये खुलने के बाद ये मेन प्रवेश द्वार से निकलता है। मेन प्रवेश द्वार से जैसे प्रवेश करेंगे इसी बड़े से हाल गेस्ट रूम में हम प्रवेश करते हैं। इस एरिया को कवर कर रखा है जाली से सुरक्षित करते हुए, क्योंकि सामने बगीचे के रूप में आप देख रहे हैं, छोटी गार्डन एरिया। और इसी प्रवेश द्वार के सामने ही आपको नीचे कार पार्किंग का एरिया सुरक्षित है, कार खड़ी की जा सकती है। अब क्योंकि आगे इन्होंने कवर कर रखा है तो छोटी कार वहाँ पर रखी जा सकती है, बड़ी कार रखने के लिए इस एरिया को जो जालीदार एरिया है उसको आपको हटाना पड़ेगा। इसके बाद वापस पुनः इसी रास्ते से हम अंदर आते हैं तो आपको हम किचन के एरिया को हम दिखाते हैं। किचन एरिया ये है, उसी कमरे से जुड़ा हुआ, और क्योंकि इसी किचन एरिया इसी कमरे से जुड़ा है तभी हम डाइनिंग हॉल को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये अंदर आंगन है, ये ऊपर तक पूरा डक एरिया, नीचे से लेकर ऊपर तक ओपन है, आंगन के रूप में इस्तेमाल होता है। रोज़मर्रा की चीज़ें, कपड़े वगैरह धुलने आदि, ओपन खुली हवा के रूप में उसे आंगन का रूप दिया गया है, जहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार लोग प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बंद है इसलिए आपको चीज़ें अस्त व्यस्त दिखाई पड़ रही हैं। हाँ, देख रहे हैं अंदर एक बाइक भी पार्क रखी हुई है, क्योंकि कोई इस्तेमाल करता नहीं, मेन मुख्य मालकिन काफ़ी वरिष्ठ हो चुकी है इसलिए अपने बच्चों के साथ रहती हैं। यहाँ पर किराए के रूप में दिया गया है दो किचन, इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस मकान को बेचा जा रहा है, ताकि आवश्यकता अनुसार अपनी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। अब हम आप मकान से बाहर निकल आए हैं, कुछ हिस्सों को हम मकान को नहीं दिखा पाए हैं, कमरों को, क्योंकि उसमें बच्चियां रहती थी, कि फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खूबसूरत सा एरिया हम बाहर, ये फ्रंट एरिया है, देखिए खूबसूरत सा बंगला है ये 240 गज में, आप सब इसको अपने अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में प्रस्तुत होंगे, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।